जिस टीम के खिलाफ वनडे डेब्यू में लगातार 3 गोल्डन डक बनाए उसी के खिलाफ अब तबाही मचाते हुए सूर्या ने बना दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, जिसे तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। तो आखिर सूर्या ने ऐसा कौन सा रिकॉर्ड किया अपने नाम जिसे अच्छे अच्छे दिग्गज बल्लेबाज भी नहीं कर सके? कैसे कंगारुओं को इस मुकाबले में धोते हुए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने का वो कौन सा कारनामा किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। पहले श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए। इन दोनों ने मिलकर 150 रनों से भी अधिक की साझेदारी पूरी की। इतना ही नहीं, दोनों ने अपने अपने शतक भी पूरे किए और फिर अंत में सूर्य कुमार यादव का तबाही देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव ने कंगारुओं के हर गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार किया। जोश हेजलवुड से लेकर एडम जाम्पा तक हर गेंदबाज को बेरहमी से धोया। साथ ही वहीं सूर्य कुमार यादव ने 44वें ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कैमरन ग्रीन के धागे खोल दिए और साथ ही उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम बेहतरीन रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिए हैं। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में सूर्या ने आखिर तक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 72 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों का ही सामना किया, जिसमें सूर्या ने 6 छक्के और 6 चौके भी लगाए थे। वहीं एक और रिकॉर्ड भारतीय टीम ने दर्ज किया जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का है। वनडे में इससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 385 रन बनाए थे, जो इस फॉर्मेट में उसका कंगारू टीम के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर था। लेकिन अब 399 रनों का सबसे बड़ा स्कोर हो गया है। तो ये दोनों रिकॉर्ड आज भारतीय टीम और सूर्य कुमार यादव ने अपने नाम कर पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया, जिसे देखकर हर कोई सदमे में है। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।